हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 854 प्रॉब्लम बी इक्वलाइज बाय डिवाइड। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बी लेवल के हिसाब से, और देखते हैं इसका क्या अप्रोच होने वाला है। क्या दिया गया है कि ए वन से लेके ए एन नंबर दिए गए हैं, ए एन तक। अब इस एन नंबर को ना इक्वल बनाना है, ठीक है। अब इक्वल कैसे बनाएंगे हम, आई और जे को दो इंडेक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ए आई और ए जे। फिर ए आई को ए आई अपॉन ए जे का राउंड अप, ठीक है, मतलब जैसे अगर 5/3 है तो 5/3 वन पॉइंट समथिंग आएगा, 6/6, तो इसको 2 कर देना है, ठीक है। तो ये करना है, मतलब राउंड अप करके एआई में उसको डाल देना है। तो इस तरह से करते हुए हमें कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे, उस स्टेप में क्या ये करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। और अगर है तो वो कौन कौन से आई और जे होंगे, कब कब वो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, अब उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। और नहीं होगा तो -1 प्रिंट करना है, बस यही है। तो अब ये देखना जरूरी है कि ये आंसर -1 कब होगा, ठीक है, कब नहीं होगा, ठीक है, ये इस प्रॉब्लम में जाना जरूरी है। अब देखते हैं माइनस कब नॉट पॉसिबल होगा, आंसर नॉट पॉसिबल का केस कब होगा। सपोज आप अगर यहाँ पे नंबर वन 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 दिया गया है, ठीक है, और अगर सारे नंबर वन दिए गए हैं तब तो ये पॉसिबल है, ठीक है, कि सभी नंबर पहले से इक्वल है और ऑपरेशन कितना लगा है कि 0 ऑपरेशन लगा है। बट अगर मान लीजिए कि कुछ नंबर्स वन है, ठीक है, और कुछ नंबर मान लीजिए टू है या वन से बड़े, ठीक है, तो इस केस में अब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में ये नॉट पॉसिबल का केस आएगा। अब कैसे आएगा ये देखते हैं। सपोज देखिए, कुछ नंबर अगर वन है, ठीक है, और कुछ नंबर वन से बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये नंबर वन है, ठीक है, अब इसको अगर किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, वन बाई डिवाइडेड बाई समथिंग कोई एक्स, जो कि एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो राउंड अप करने के बाद भी इसकी वैल्यू वन ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो हमको जहां पे इक्वल करना है ना इस नंबर को, पूरे एरे को, अब वो वन बनाना है, सारे नंबर को वन ही बनाना है, क्योंकि ये वन एग्जिस्ट है और इनको किसी से भी डिवाइड करेंगे ये वन ही रहेंगे। तो इसका मतलब जो मिनिमम नंबर है हमारा, या जो भी बोले कि वन बनाना ही है सारे नंबर्स के, एरे के सारे नंबर को हमें वन बनाना पड़ेगा। अब जो ये बड़े वाले नंबर है, अब इनको देखिए, अगर हम थ्री से चाहे टू को वन बनाना तो ये भी वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा, ठीक है, बट थ्री को हम वन, अब ये जो आखिरी नंबर बचेगा ना, मतलब जो एक नंबर जो कि वन से बड़ा है, ठीक है, और वो आखिरी तक वो रहेगा क्योंकि वही डिवाइड करेगा सभी नंबर्स को वन बनाने के लिए, बट वो नंबर खुद वन नहीं हो पाया है अभी तक, ठीक है, बट अगर सभी नंबर वन हो गए, ठीक है, एन माइनस वन नंबर अगर वन हो गए तो, बट एक नंबर जरूर ऐसा फिर आखिरी में बच जाएगा जो वन नहीं है और उसको डिवाइड करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी सारे नंबर अगर वन हो चुके हैं, एन माइनस वन नंबर अगर वन है तो अब वन से डिवाइड करने के बाद ये नंबर वही रहेगा, तो वन से छोटा ये हो ही नहीं पाएगा और वो नंबर फंस जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, कब, जब कुछ नंबर वन है, ये मस्ट है, और कुछ नंबर वन नहीं है, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ वन, मतलब एक आप मेंटेन कर लीजिए काउंट ऑफ वन, कि काउंट ऑफ वन बताएगा कितने वंस है, अगर काउंट ऑफ वन एन के बराबर हो जाए, ठीक है, एन के बराबर हो जाए तो आंसर यस पॉसिबल होगा और ऑपरेशन 0 लगेंगे। बट अगर ये काउंट ऑफ वन नॉट इक्वल टू, पहली बात, अगर ये काउंट ऑफ वन अगर ये 0 हो जाए तब भी आंसर पॉसिबल होगा एस, और ऑपरेशन फिर देखते हैं क्या लगेगा। बट अगर काउंट ऑफ वन 0 नहीं है और एन भी नहीं है तो इसका मतलब आंसर नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर काउंट ऑफ वन नॉट इक्वल टू 0 एंड अगर काउंट ऑफ वन नॉट इक्वल टू एन, ठीक है, अगर ये दोनों केस नहीं है तो आंसर इस केस में -1 होगा, मतलब नॉट पॉसिबल होगा, और सभी केस में आंसर पॉसिबल होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। अब हम पॉसिबल का केस देखते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए, अब एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है, अगर वन होगा नंबर में पूरे एरे में तो वन हर जगह होगा, ठीक है, और तुरंत हम इसको आंसर प्रिंट कर देंगे एस, मतलब एस नहीं प्रिंट करना है, 0 ऑपरेशन प्रिंट कर देना है कि यार 0 ऑपरेशन में पॉसिबल है इक्वल करना। बट अगर कुछ वंस हैं और अगर कुछ नंबर वन से बड़े हैं, टू थ्री, तो आंसर तुरंत -1 प्रिंट हो जाएगा। तो थर्ड केस बस यही बचता है कि सभी नंबर, सभी ए आई वन से बड़े होंगे, ठीक है, सभी आई वन से बड़े होंगे, ये हमारा तीसरा केस बचता है। अब इसी को प्रूव करना है कि ये इसकी हमेशा पॉसिबल होगा, और बोला गया है प्रॉब्लम में कि 30n से मिनिमम हमें लाना है, ठीक है, ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल है तो 30n ऑपरेशन आपको करने हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। सपोज मान लीजिए कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर,
A5, A6, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं। अब ये हमें पता है कि सभी AI, ये ध्यान में रखिएगा, सभी AI की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस AI A1 से लेके A6 तक को सॉर्ट अगर हम कर दें इसको, अगर इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सॉर्ट करने में, ठीक है। अगर आप इसको सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद जो भी इसका एक मिनिमम नंबर होगा, MN मान लेते हैं, और इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जो मिनिमम नंबर है, ये मिनिमम नंबर, इसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं होगी, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है, और अब जो मिनिमम नंबर है, मान लीजिए मिनिमम नंबर ये भी है, ये भी एम एन है, ये भी एम एन है, ठीक है, और ये एम एन से कुछ बड़े हैं, ठीक है, एम एन प्लस समथिंग होंगे, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, एम एन से बड़े वाले नंबर हैं, ठीक है, मतलब ये सभी नंबर एम एन से बड़े हैं। तो इससे क्या है कि एम एन जो है, ये मिनिमम नंबर, ये अपने आप को जहां तक सेम है उसको डिवाइड नहीं करेगा। अब हमारा ये है कि इस ये एम एन इन सभी नंबर को डिवाइड करेगा जो एम एन से बड़े हैं, ठीक है। अगर जो एम एन से बड़े हैं सभी नंबर को डिवाइड करेगा, और एम एन से बड़े हैं और एम एन से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनका राउंड अप कितना आएगा, राउंड अप उसका डेफिनेटली कितना, 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। मिनिमम कितना होगा, 2 होगा, मिनिमम 2 होगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 4 है, 4/3 करेंगे तो ये 2 होगा, ठीक है। तो अगर कोई मिनिमम नंबर है वो अपने से बड़े नंबर को डिवाइड करता है, तो उसका राउंड अप, ये तो डेफिनेटली पता है कि 1 से बड़ा होगा, मतलब मिनिमम 2 होगा, ठीक है। अब ये अगर ये पता चल गया 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़े होने के बाद तो इसी नंबर में, ठीक है, ये जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है, सभी का राउंड अप हम कर लेंगे, और राउंड अप करने के बाद इसको हम, अब ये कुछ नंबर्स पहले बराबर थे, ये एम एन के बराबर था, मान लेते हैं ये भी एम एन बराबर था, बट ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। अब ये तीनों नंबर क्या डिक्रीज हुए होंगे अपने पोजीशन से, मतलब अपने वैल्यू से डिक्रीज हुए होंगे, ठीक है, डिक्रीज हुए होंगे, इतना मान लिए। अब लेकिन और एक चीज माने, अभी भी डिवाइड करने के बाद, आफ्टर डिविजन, ये नंबर्स अभी भी AI की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, और ठीक है, और ये हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। AI जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्यों, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो मिनिमम नंबर है वही 1 से बड़ा है, और जो डिवाइड हम कर रहे हैं इन सभी नंबर्स को, ठीक है, इनके डिवीजन करने के बाद भी ये जो भी AI, न्यू AI बनेंगे, ठीक है, न्यू AI जो बनेंगे वो भी 1 से बड़े होंगे राउंड अप के प्रॉपर्टी की वजह से। अब इससे क्या होगा कि ये नंबर क्या होते जाएंगे ना, पता, डिक्रीज होते जाएंगे। जो भी इक्वल नहीं है एम एन से उनको हमको डिवाइड करना है, जो इक्वल है उसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो वो 1 बन जाएगा, और वो 1 बनने के बाद क्या करेगा, हमें 1 बनाने ही पड़ेगा सभी नंबर को, और शायद वो पॉसिबल ना हो क्योंकि हम 1 वाला केस देख चुके हैं। तो जो नंबर एम एन के बराबर है उसको डिवाइड नहीं करना है, लेकिन जो एम एन के बराबर नहीं है उसको डिवाइड करना है, और वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी, इस तरह से डिक्रीज होती जाएंगी। और अब ये क्या होगा कि अब सभी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और मिनिमम वैल्यू हमें पता है क्या, मिनिमम वाला वैल्यू कितना होगा, मिनिमम हमेशा 1 से बड़ा होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू हमेशा या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, या तो सभी नंबर ये इक्वल हो जाएंगे डिवाइड करते करते, ठीक है, या तो इक्वल हो जाएंगे या तो सभी नंबर 2 हो जाएंगे, 2 भी इक्वल ही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लीजिए 2 एक ऐसा नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9, तो 2 से डिवाइड करिए 9 को, ये बन जाएगा 5, राउंड अप प्रॉपर्टीज 5, फिर 2 से डिवाइड करिए ये बनेगा 3, फिर 2 से डिवाइड करिए बन जाएगा 2। तो 2 से नीचे कभी नहीं नंबर जाने वाला है, ठीक है। तो या तो सभी नंबर या इक्वल हो जाएंगे, या तो सभी नंबर ऑल नंबर्स 2 बन जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो ये प्रॉपर्टी आपको करते रहना है, और इसको सॉर्ट करते हुए, क्योंकि कंस्टेंट बहुत छोटा है, ठीक है, 10^3 साइज का ही है, तो आप इसको बार बार कर सकते हैं, और कुछ ही टाइम में ये हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना, क्या होने वाला है इसका कोड, ठीक है। तो जैसे कोड ये देखिए, ये आपने इनपुट ले लिया सारा, ठीक है, काउंट 1 हमने देख लिया, और काउंट 1 n के बराबर है तो 0, और काउंट 1 अगर 0 नहीं है और n भी नहीं है तो इसका मतलब -1 होगा आंसर, ठीक है। तो हमने -1 वाली चीज देख लिया, ठीक है, एक सेकंड कोड जूम करते हैं, ठीक है। तो -1 वाला केस हमने देख लिया, काउंट 1
काउंट वन अगर एन और एन नहीं है ठीक है, तो और अगर जीरो भी नहीं है तो माइनस वन प्रिंट होगा, अगर एन है तो जीरो प्रिंट हो जाएगा ठीक है। तो एक चीज उसने बताया था कि पेयर हमको रखना था, तो पेयर के लिए हमने क्या कर लिया है कि पहले ही जो भी नंबर्स थे उनका इंडेक्स हमने स्टोर कर लिया है ठीक है, कि ताकि मैं उसका बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसका हर एक नंबर का हम क्या कर चुके हैं, उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया है एक रिजल्ट में, और इस रिजल्ट को हम क्या कर दिए हैं, सॉर्ट कर दिए हैं ठीक। अब यहाँ पे इसी में हम उसका वो बताएंगे ठीक है कि इंडेक्स कौन सा है, क्योंकि हमें अगर हम सॉर्ट कर दिए हैं तो जरूरी नहीं है ना कि वो वाला नंबर उसके साथ ही रहे ठीक है, तो इसलिए हमें इंडेक्स उस नंबर के साथ हमें जरूरी है ठीक है, सॉर्ट करते टाइम ठीक है। तो ये कर लिए, अब ये करने के बाद हम क्या कर लेंगे कि अगर रिजल्ट, अगर ये कब तक लूप चलाना है, कब तक सॉर्ट करके हुए और छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, मतलब जो मिनिमम नंबर होगा उस सारे बड़े नंबर से, इससे एमएन से जो बड़े हैं सबको डिवाइड करना है, तो फिर से उसके बाद क्या करना है, फिर से इसे सॉर्ट करना है, फिर से एक इसका एमएन आएगा, फिर सिर्फ सभी नंबर को डिवाइड करना है, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक ये सारे नंबर बराबर ना हो जाए। और वो कंडीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसे रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मतलब उसका पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब सभी नंबर बराबर हो गए, सॉर्टेड होने के बाद, सॉर्ट हम कर रहे हैं बार बार ठीक है, अगर सॉर्ट होने के बाद अगर पहला नंबर आखिरी नंबर बराबर हो रहा है तो मतलब बीच के सभी नंबर बराबर हो गए हैं ठीक है। तो इससे ये पता चल गया, और क्या पता चल रहा है इसमें, बस हमें पहला नंबर है तो अभी इसी नंबर को इसी नंबर से हमें डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड कब करना है, जब वो मिनिमम के बराबर नहीं होगा, अगर वो नंबर एमएन जो है जो सॉर्टेड एरे में है एमएन से अगर बड़ा होगा तभी उसको हम डिवाइड करेंगे ठीक है। डिवाइड करने के बाद उसको हम अपडेट भी कर देंगे कि आंसर ऑफ उसका, हाँ इंडेक्स हमें रखना है ना आई और जे, वो हम इंडेक्स क्या कर लेंगे उसको रख लेंगे, और फिर बाद में सी आउट आंसर डॉट साइज और आंसर ठीक है प्रिंट कर देंगे आई जे ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लॉजिक समझ में आया ठीक है इसका पूरा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं इसको जरूर से रिप्लाई दूंगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में ठीक है। थैंक यू, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।